ये गाइस, कल हमारे घर में डबल डोर फ्रिज आया था जो कि धनतेरस के दिन आया था। तो मम्मी ने पूजा भी कर दिया इसका, तो मैंने सोचा इसे रिव्यू करता हूँ इसका। तो गाइस, ये सैमसंग कंपनी का है और ये इन्वर्टर के साथ भी चल सकता है, तो काफ़ी अच्छा है और कम से कम वोल्टेज पे ये चल सकता है। और ये डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार लग रहा था हमें, तो कमेंट में बताने कैसा लग रहा है आपको। सो गाइस, ये आइस के लिए स्पेशल है, तो इसमें अभी तो सबसे कम टेम्परेचर में इसे रखा गया है अभी, फिर भी ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा कूल कर रहा है। और ये आइस के लिए यहाँ पर दिया है कि आइस भेज जाएगा, मतलब ऐसा सारा सिस्टम बनाया गया है, ये पूरा सिस्टम इसमें दिखाया गया है। सो गाइस, अब इसके नीचे देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे LED दिया गया है जो कि ऊपर नहीं दिया गया था। और यहाँ पे टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया गया है, बढ़ाने घटाने का सारा बटन दिया, ऊपर में भी दिया था, नीचे में भी दिया गया है, और काफ़ी शानदार लग रहा है यार। यहाँ बोतल वगैरह रख सकते हैं, चॉकलेट वगैरह सब रख सकते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ रख सकते हैं हम लोग। और गाइज, ये है आपका वेजिटेबल का स्पेशल, सारा कुछ इसमें रख सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ओके, ये भी काफ़ी कूल रखता है ये। सो गाइज, अगर इसका रेट का बात किया जाए तो ये 28,000 से ऊपर है और देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। और ये गाइज, इसका पीछे का है जो कि पूरा कवर्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वायर निकला रहता था, बहुत ख़राब सिस्टम था पहले, जो कि अच्छा ही है। तो हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस कैसा लगा आपको। ओके,